Hello students, today we will study unit number 3, which is transformers. So hopefully this would be the last video based on unit number 3, which is transformer. So I hope up till now almost all topics we have covered based on this unit number 3 transformer. So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. So in this video we are going to study BH curve. Maybe it would be the last topic. Now question may arise that why we should study BH curve? BH curve padhna kyun jaruri hai? So for that purpose, simple answer is that in previous video lectures, we have discussed about magnetic materials. Now if you want to study the property of magnetic materials, then study of BH curve is very much important. Yani ki BH curve agar samjhoge, to aapko magnetic material ki jo property hai, wo samajh mein aa jayegi, jo basically yahan pe do property likhke rakhi hai, which is retentivity and coercitivity. Okay. So we'll start to understand this BH curve. Already I have drawn, bana ke rakha hai pehle se. So how we'll try to understand that is B versus H. Okay. सो वी नो वेरी वेल कि अगर हम कोई एक मटेरियल लेते हैं तो उसके अंदर क्या हम बोलते हैं कि बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं. तो यहां पे आई विल ड्रॉ लॉट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स विच आर अरेंज्ड इन रैंडम डायरेक्शन, सो दैट अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट यू नो वेरी वेल नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेते हैं, वेक्टोरियल सम करते हैं, तो उसका आंसर कितना आ जाता है? जीरो. यानी सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ये दैट मींस अभी ये मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं है, दैट मींस इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी का वैल्यू जीरो है अभी तो. ठीक है. अच्छा, अगर हमें इसे मैग्नेटाइज करना है, मैग्नेट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दैट ऑल्सो यू नो वेरी वेल दैट जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स है सबका एक डायरेक्शन में सबको अलाइन करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट पर्पज व्हाट वी आर डूइंग, फॉर दैट पर्पज वी आर सप्लाइंग दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको एच से हम बोलते थे. और ये एच को क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इजीनेस के लिए बोलते हैं, एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. ठीक. अच्छा, तो एच अभी याद रखो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इजीनेस के लिए हम बोलेंगे एक्सटर्नल फील्ड. अच्छा, एक्सटर्नल फील्ड लगाया, सब डाइपोल ऐसे हो गए और एम नेट अब जीरो नहीं है, यानी ये मैग्नेट बन गया, यानी बी का वैल्यू अब जीरो नहीं है. लेकिन फिलहाल तो मैं क्या बोलूंगा कि एच का वैल्यू अभी जीरो है, यानी अभी मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया नहीं है, तो एम नेट का वैल्यू जीरो, बी का वैल्यू जीरो. ठीक है. तो एच इज इक्वल टू जीरो है तो बी इक्वल टू जीरो है, एच इक्वल टू जीरो है तो बी इक्वल टू जीरो है. हाँ है. Now if you want to magnetize the substance, then what you will do, magnetize करना है तो क्या करोगे आप? आप बोलोगे सर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे डाइपोल धीरे धीरे क्या करेंगे, एक अलाइनमेंट, एक डायरेक्शन में आ जाएंगे. यानी कि ये सब्सटेंस जो है धीरे धीरे मैग्नेटाइज होता जाएगा, यानी ये सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बच्चों धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. कब तक बढ़ता जाएगा? तो पॉइंट ए तक बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इसका. ठीक है. तो कर्व में भी वी कैन सी दैट व्हेन यू विल अप्लाई दी एक्सटर्नल फील्ड, कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगा, यानी यहां से कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगा, ये एच है, यहां से कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो बी का वैल्यू भी, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ा. कहां तक? ए तक. अब ए से ज्यादा फील्ड बढ़ेगा नहीं. क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जब आपने इतनी मैग्नेटिक फील्ड दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी यहां तक, इतनी वैल्यू तक, तब जितने भी डाइपोल थे अंदर सबके सब अलाइन हो गए. अब और तो कोई डाइपोल है नहीं, तो और ज्यादा तो मैग्नेटाइज हो नहीं सकता ये, यानी इससे ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली नहीं है. यानी ए पॉइंट पे क्या हो गया बच्चों? सैचुरेशन आ गया. इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं, इससे ज्यादा सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा नहीं. ठीक है. अच्छा, अगर अब मेरे को इसको डीमैग्नेटाइज करना है, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेट नहीं रहने देना इसको, तो मैं क्या करूंगा? आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको धीरे धीरे घटाओ और बाद में जीरो कर दो, यानी कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई मत करो. तो क्या हो जाएगा? ये इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, मैग्नेट अब रहेगा नहीं. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि बाकी सब जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल है वो एच को घटाने पे, उसको जीरो करने पे रैंडम डायरेक्शन में तो आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे डाइपोल है, कुछ ऐसे डाइपोल है जो अभी भी
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है, यहाँ पे हमने एच का वैल्यू तो जीरो कर दिया है, फिर भी वो अपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने एच का वैल्यू जीरो कर दिया तो बी का वैल्यू भी जीरो हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो ये कर्व ए तक गया और बाद में वापस AO पाथ फॉलो करके नीचे की ओर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ये कहां गया? ये ऐसे करके यहां कुछ निकल गया, ठीक है। तो यहां निकल गया, इसका मतलब क्या कि जब H का वैल्यू ये पॉइंट पे, H का वैल्यू कितना है ये पॉइंट पे, H का वैल्यू जीरो है, फिर भी सब्सटेंस के पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फिर भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज है। क्यों मैग्नेटाइज है? क्योंकि कुछ डाइपोल अभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हुए हुए हैं, यानी कि यहां पे बी का वैल्यू अब जीरो नहीं है। यानी कि एच का वैल्यू तो जीरो कर दिया हमने, एच का वैल्यू घटाते घटाते जीरो कर दिया, लेकिन बी का वैल्यू अभी जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि इफ यू विल नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन ऑल्सो सब्सटेंस और मटेरियल रिमेन्स मैग्नेटाइज, and that property is known as that property OB is known as retentibility। retentibility यानी क्या कि magnetic field, external magnetic field हटाने पर भी substance जो है वो अपना magnetism छोड़ता नहीं है, magnetic field बनाता रहता है, that is known as retentibility। that means it is the property of the material, it is the property of the material to maintain its magnetism। अभी भी B का कुछ value है, इतना value है B का, to maintain its magnetism even if you will remove the external field or you will make zero as magnetic, external magnetic field, that already I have written over here, ठीक है। अच्छा, तो retentibility तो समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अब हमें तो क्या करना है सर? हमें तो इसको डीमैग्नेटाइज करना है। अगर डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल ये डायरेक्शन में है ना, इसको रैंडम डायरेक्शन में सेट करना पड़ेगा, जिससे करके जो एम नेट होगा, जिससे करके जो इसका एम नेट होगा वो किसका बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर, ठीक है। यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड अब जीरो हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको ये साइड घुमाना है, रैंडम मोशन। तो अब हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट पे तो आ गए, अब हम बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जीरो तो हो गया, कुछ काम नहीं बना, डीमैग्नेटाइज हुआ नहीं, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस ये सारे कौन से थे? प्लस से। अब नेगेटिव डायरेक्शन में हम क्या लगाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जितने भी डाइपोल है वो डाइपोल अब क्या हो जाएंगे? रैंडम डायरेक्शन में अरेंज हो गए। एम नेट का वैल्यू जीरो, यानी बी का वैल्यू जीरो हो गया, लेकिन बी का वैल्यू यानी ये वैल्यू तो जीरो कर दिया हमने, लेकिन अभी भी एच का तो कुछ वैल्यू है, यानी एच का वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। यानी कि यहां हम क्या बोलेंगे कि वी आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फील्ड देन ऑल्सो वॉट एवर मटीरियल इज देयर दैट इज नॉट मैग्नेटाइज, यानी एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर भी मटीरियल मैग्नेटाइज हुआ नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल फील्ड आपने, ये एच वाला एक्सटर्नल फील्ड आपने कुछ लगाया लेकिन ये मैग्नेटाइज हुआ नहीं, ये प्रॉपर्टी को ओसी को हम बोलते हैं कोरिसिटिविटी। यानी क्या कि अगर कोई भी सब्सटेंस को आपको डीमैग्नेटाइज करना है तो आपको एक्सटर्नल फील्ड लगानी पड़ेगी। यानी कि कोई सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करना है, बी का वैल्यू जीरो करना है, तो उसके लिए आपको नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ एच का एक्सटर्नल फील्ड लगानी पड़ेगी। सो दैट कोरिसिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और यू कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस। एक बार और, इट इज द अमाउंट ऑफ, अमाउंट यानी जीरो नहीं है, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज कोरिसिटिविटी, दैट आई ऑलरेडी हैव रिटन ऑन द बोर्ड, ठीक है। अच्छा, अब बाद में क्या करेंगे? बाद में यहां तक आ गया और ये डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, ये फील्ड और इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अब सारे डाइपोल ये डायरेक्शन में अरेंज हो गए, यानी ये मैग्नेटाइज हो गया, यहां तक आ गया। अब यहां से आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि सैचुरेशन आ गया, सारे के सारे डाइपोल अलाइन हो गए, इससे ज्यादा तो डाइपोल है नहीं। अच्छा, सैचुरेशन आ गया, अब इसको डीमैग्नेटाइज करना है। डीमैग्नेटाइज करने के लिए आप क्या बोलोगे? सर क्या करोगे? एच का वैल्यू जीरो कर दो, घटाते घटाते एच का वैल्यू जीरो कर दो,
ठीक है, लेकिन एच का वैल्यू जीरो करोगे तो भी उसके पास कुछ मैग्नेटिज्म रहेगा ओई जितना, और ओई क्या है, मेंटेन रख रहा है अपना मैग्नेटिज्म। ओई क्या है, मेंटेन रख रहा है अपना मैग्नेटिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिबिलिटी, यानी कि ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल की टू मेंटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन इफ वैल्यू ऑफ एच बिकम जीरो, ये मेंटेन रखेगा अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो भी, ठीक है। अच्छा, एच का वैल्यू जीरो कर दिया, अब क्या करोगे, इसको तो डीमैग्नेटाइज करना है, तो आप क्या करोगे, अब पॉजिटिव एच डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, पॉजिटिव एच डायरेक्शन में लगाते 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 क्या होगा, अब जो अपना ये मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां एच का वैल्यू कुछ लगाया आपने, कुछ वैल्यू है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तब बी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज नहीं हुआ। और ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी को, ये वाली ओ एफ प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ओ एफ, ओ एफ प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कॉर्सिटिविटी। सो ये क्या है बच्चों, इतना अमाउंट तो चाहिए हमको एक्सटर्नल फील्ड का कि जिससे करके मटेरियल तुम्हारा जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है। डीमैग्नेटाइज हो गया, अच्छा एच का वैल्यू और बढ़ाओ, एच का वैल्यू और बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है वापस अलाइन होने शुरू हो जाएंगे और मैक्सिमम सेचुरेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। बाद में उसको डीमैग्नेटाइज करो और पूरा साइकिल विल बी रिपीटेड। So that is all about what understanding of BH curve, जहां पे हमने ये दो प्रॉपर्टी पढ़ी, और ये जो ग्राफ लेके रखा है बच्चों, that is specially for ferromagnetic material का ये ग्राफ है, and that is of specifically बोलू तो आयन के लिए ये ग्राफ हमने लेके रखा है। So इस वीडियो में बस इतना ही, now we'll meet in a new video with a new chapter which is most probably unit number 4, I think it is electric machines. So till then, read hard, work hard. Thank you very much.